क्वेश्चन ऑन दीपल हुआ पे भी uh, जो है इट्स अवेलेबल सो आप यूट्यूब पे भी कर सकते हो ठीक है चले स्टार्ट करें क्वेश्चन क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ गाइल माई सेल्फ काजल अरुण सिंह यूर जूलॉजी एजुकेटर येस संध्या इतना लंबा चौड़ा कमेंट लिखा है मैं आराम से बैठ कर पढ़ूंगी यस yes, तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो आगे भी देखती रहूंगी हाउ स्वीट संध्या थैंक यू सो वेरी मच ये आपका लाइव तो मैं पक्का अच्छा यू अटेंड लेक्चर्स ऑन द मॉर्निंग ओके आई ट्राई किसी दिन मैं मॉर्निंग में लेक्चर ले लूँगी ठीक है कुल 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 चलो गाइस चलो 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 लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन हो चुका है बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो अगर अभी तक नहीं शेयर किया आप लोग ने तो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज़ क्वेश्चन के आंसर्स आंसर्स करना चालू कर दो ठीक है येस yes, चलो क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन अ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है जल्दी-जल्दी आंसर आने चाहिए टाइम नहीं वेस्ट करना है राइट हाय विनुथा क्या बात है विनुथा ऑन टाइम एकदम वेरी नाइस यस हाय मोहम्मद ये सब लोगों को ये लग रहा है ठीक है ही लग रहा है तुम लोगों को चलो वेरी नाइस डीनेचुरेशन एनीलिंग एक्सटेंशन वेरी गुड गाइस यस वेरी नाइस चलो नेक्स्ट सोल्यूशन हम ऑलरेडी पता है हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं ठीक है सोल्यूशन में अगर कोई सोल्यूशन है मैं दिखा दूंगी अगर तुम लोग को लगता है कि तुमको जरूरत है सोल्यूशन की तुम स्क्रीन शॉट ले लेना ठीक है यस यस लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन संध्या चलो क्वेश्चन नंबर टू डीएनए स्ट्रैंड ऑन अ जेल स्ट्रेंड यस डीएनए स्ट्रांड हाई वेलकम बैक शालिनी वेलकम बैक स्ट्रैंड ऑन स्टेन विदिडियम ब्रोमाइड वेन वी वूड अंडर यू वी रेडिएशन अपर एस्ट कैसा दिखता है वो हाय तनु यस वेरी नाइस गाइस वेरी नाइस येलो बैंड जैसा दिखता है ब्राइट ऑरेंज बैंड जैसा दिखता है डार्क रेड बैंड या फिर ब्लू ब्राइट ब्लू बैंड कैसा दिखता है ये यस आई एम वेरी वेल गुड थैंक यू सो मच संध्या फॉर आस्किंग आई एम ऑसम एज ऑलवेज यस मोहम्मद क्या लग रहा है सब लोग को डी लग रहा है यस हाय जानवी यस 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 गाइस एस करके कौन है बेटा नाम एस एस लिखा है तुमने सिर्फ एस एस यस दिख रहा है यहाँ पे चलो क्या बात है वेरी नाइस nice. जल्दी जल्दी आंसर किसको गलत हो गया अनन्या क्यों गलत हो गया बेटा हाय प्रणव यस कोई बात नहीं बेटा लेट आने के लिए कोई बात नहीं तीस क्वेश्चन हो चुके हैं अभी नेक्स्ट तीस क्वेश्चन चल रहे हैं थर्टी टू क्वेश्चन है वेरी नाइस गाइज एवरी इज राइट आंसर बी है वेरी गुड सब लोग बी मार्क कर रहे हो परफेक्टली राइट यस वेरी नाइस मेरा नाम क्या है संध्या संध्या इतने टाइम से इतना लंबा चौड़ा तुमने मैसेज लिखा उसके बाद नाम पूछ रहे हो काजल अरुण सिंह ठीक है ये हमारा पूरा नाम ओके डन विद इंट्रोडक्शन चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यस एनी वन हुक्सप्लेन यू कैन गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन लेटर ऑन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन अच्छे से दिया गया पूरे डेफिनेशन के साथ ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कौन सा है जो कि एप्लीकेशन नहीं है पीसीआर का क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा यस मॉलिकुलर डायग्नोसिस में जीन एम्प्लीफिकेशन में प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन में या डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन में यस yes, मैं लंबा जो देखी वो अपने पढ़ा यस yes, मैंने पढ़ा संध्या ऑब्वियसली मैंने पढ़ा संध्या <laughs> तनु यस yes, सी सी लग रहा है सबको यहाँ पे एस ने भी सी लिखा है

चले मूव ऑन करें आगे हाय ध्रुव परफेक्ट परफेक्ट क्या बात है सब लोग ने पढ़ के रखा है मतलब ऑल द बेस्ट गाइस यस आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि सबने पढ़ा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट क्या क्या प्रेसिपिटेट करता है इथेनॉल चिल्ड इथेनॉल डाल दिया तो क्या प्रेसिपिटेट हो जाता है आरएनए डीएनए हिस्टोन या फिर पॉलीसेकेराइड क्या लगता है क्या लगता है नहीं आया जानवी क्वेश्चन नहीं आया रिफ्रेश करो बेटा रिफ्रेश रिफ्रेश करो करो एक बार रिफ्रेश करो। जल्दी से यस मैम एक्चुअली मैं अभी आपने कहा ना कि इतने टाइम से छोड़ा से <laughs> पूछ रही थी कि कौन एक्चुअली पिक में आप अलग नहीं। अच्छा नहीं नहीं बेटा मैं ही हूँ मैं ही हूँ हम ही हैं वो यस ठीक <laughs> है यस यस वेरी नाइस तानू संध्या एब्सोल्युटली राइट यहाँ पे जानवी जानवी वेरी नाइस यस ओके परफेक्ट 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 गाइस डीएनए इज दी आंसर एब्सोल्युटली राइट क्या बात है सही आंसर नहीं मार्क कर पा रहे हो कोई बात नहीं चैट सेक्शन में ऑप्शन लिख दो ठीक yes. so, है यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंगल चॉइस क्वेश्चन है प्लाज्मिड पीबीआर 322 के बारे में बात हो रही है हैज पीएसटी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन जीन जो कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट है दैट कन्फर्स एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड इज इंसर्टेड इन एन इकोलाई स्ट्रेन तो फिर इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल यस दूसरा है द ट्रांसफॉर्मड cells will have the ability to resist ampicillin as well as produce beta galactoside teesra hai it will lead to lysis of host cell and chautha hai it will be able to produce a novel protein with dual ability kya lagta hai kaun sa option sahi hoga tanu kya baat hai tanu very nice tanu <laughs> yes baki log baki janvi vithuna vinutha sorry ayushi ananya यस नागराज विनुथा क्या बात है क्या बात है वेरी नाइस गीता बेन संध्या एब्सोल्युटली राइट गाइस यस आंसर जो है आपका ए है कि वो जो है कॉन्फर नहीं कर पाएगा एमपिसिलिन रेजिस्टेंट होस्ट को ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन के दौरान यूजिंग पीसीआर इफ अ

वट अबाउट अदर्स गाइज विनुथा जानवी वाइज थिंक नागराज आयुश्री अन्य क्या कहाँ गया वो गई ओके सब लोग को वही लग रहा है सी लग रहा है डी नेचुरेशन लग रहा है वेरी नाइस गाइज यस वेरी गुड वेरी गुड संध्या तनु एब्सोल्युटली राइट यस द आंसर इज डी है वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं

क्या बात है विंथा वेरी नाइस अनुश्री क्वेश्चन सीक्वेंस आता है वही आइडेंटिफाई करता है राइट तनु। वेरी नाइस ऑसम 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 हमेशा इंडो न्यूक्लियस पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही कट करता है राइट चलो परफेक्ट नेक्स्ट इज

यस yes, धूम की तरह भगा दू वही हो रहा है है ना कि तब ना एग्जाम इतना नजदीक है कि यही करना पड़ेगा राइट right? क्या लगता है डी 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 तनु संध्या गीता बेन यस yes, इधर वेनुथा अनु आयुश्री सबको वही लग रहा है यस yes, आयुश्री तुमको ए लग रहा है आयुश्री तुमको ए लग रहा, ए लग रहा yes? question number eight है यस क्वेश्चन नंबर एट है गाइज एट क्वेश्चन नंबर एट आंसर विल बी यस जानवी

यानी कि कुछ तो गलती थी ये पी वाई क्यू है तो यहाँ पे पहले ही नोट आपको दे दिया गया है ठीक है यस यूट्यूब पे पोल क्रिएट करो ना अरे बेटा इतना टाइम करते बैठेंगे तो लेट हो जाएगा फिर सेशन कर नहीं पाएंगे मैम बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन लेके आए हैं थैंक यू थैंक यू सो मच संध्या थैंक यू सो मच चलो यस yes, ये पी वाई क्यू जो आया था इसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं क्योंकि ऑप्शंस में थोड़ी गलतियां थी ठीक है चलो क्या लगता है गाइस क्या आंसर होगा यस yes.

दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स तीसरा है डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या फिर एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स यस क्या लगता है नबीला यस जानवी विनुता गीता बेन मैम हटो हो सॉरी 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 कर लो कर लो <laughs> अब ठीक है टेक योर टाइम ये क्वेश्चन में थोड़ा लंबा टाइम लगता है हाय मे हे दी यू जल्दी जल्दी करो गाइस ऊपर के ऑप्शंस देखना ऊपर के भी ऑप्शंस देख लो डन 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 क्या लगता है कौन सा ऑप्शन है यस yes? डन डन एवरी वन क्या लगता है चलो मैं सॉल्व करती हूँ तुम लोग के साथ ठीक है दिस इज हमारे ये कौन सा ग्यारहवां क्वेश्चन चल रहा है नहीं दसवां क्वेश्चन चल रहा है चलो ठीक है दसवां क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है ए क्या है बायो रिएक्टर देखो बायो रिएक्टर क्यों यूज करते हैं ढेर सारा प्रोडक्शन करने के लिए है ना क्वांटिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए राइट right? दिख नहीं रहा लास्ट ऑप्शन कौन सा लास्ट अच्छा वो ये वाला लास्ट ऑप्शन चलो मैं सॉल्व कर रही हूँ ना तो ए का तो टू है हमको पता है ए का टू किस में है हमारा बी में भी है और डी में भी है तो चलो देखते हैं और कौन सा होगा ठीक है ए बी भी हो सकता है डी भी हो सकता है ठीक है फिर बी uh, देखते हैं बी क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस गाइस यस क्यों करते हैं बी मेहकदीप बी लग रहा है मेहकदीप को यस yes. क्यों करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्योंकि हमको क्या करना रहता है डीएनए को सेपरेट करना होता है तो बी का वन है यानी कि बी ऑप्शन आ रहा है विच इज एब्सोल्युटली राइट तो आंसर बी होगा ठीक है डन चलो ये uh, पूरा वो है मैच द कॉलम है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से ठीक है

बायोपायरेसी कहते हैं जीन थेरेपी कहते हैं मोलिकुलर डायग्नोसिस कहते हैं या सेफ्टी टेस्टिंग कहते हैं क्या कहते हैं यस yes. बीनू क्या बात है क्या बात है बड़ा जल्दी आंसर आ रहा है यस जानवी वेरी नाइस महकदीप गीता बेन संध्या एब्सोल्युटली राइट गाइस यस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर विल बी नहीं संध्या संध्या व्हाई डू यू थिंक आंसर इज सी बेटा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस डायग्नोसिस हुआ ना हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं ना थेरेपी दे रहे हैं ट्रीट कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली बात है जीन को टारगेट करके आप थेरेपी दे रहे हो ट्रीट कर रहे हो तो उसको क्या होगा जीन थेरेपी इसका आंसर होगा ठीक है तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट जितने लोगों ने जो है मार्क किया था जीन थेरेपी दैट इज राइट कूल यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नाउ अ डेज ठीक है नाउ अ डेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट

कंफ्यूज हो गई थी कोई बात नहीं समझा इट्स ओके ऑप्शन देखो क्या दिया है ऑप्शन ए दिया म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपियोज ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म ठीक है इसीलिए हम कर पाते हैं डिटेक्ट दूसरा दिया है म्यूटेटेड जीन कम्प्लीटली एंड क्लियरली अपियोज ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म तीसरा है म्यूटेटेड जीन डज नॉट अप्योर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज अ प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्रलिटी विथ इट एंड लास्टली म्यूटेटेड जीन डज नॉट अप्योर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंट्रालिटी विथ इट यस क्या लगता है नबीला जानवी विनुथा मैगदीप ट्वेल्व का आंसर गीताबेन ये संध्या सी लग रहा है सबको सॉरी मैम मैं, मैं ओके ओके तो आयुषी यहाँ पे और क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पे भी तो पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी बारह क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी लास्ट वाला क्या लग रहा है लास्ट वाला डी लग रहा है यस yes, वापस ऑप्शन देखना है सबको देख लो एक बार ट्वेल्थ का ट्वेल्थ का आंसर एब्सोल्युटली राइट सबने जो बोला है परफेक्टली राइट right है सी है वेरी गुड यस इट इज सी म्यूटेटेड जीन अपियर नहीं होता है आपके फोटोग्राफिक फिल्म पे एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंटारिटी विद इट वेरी नाइस चलो परफेक्ट 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 नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट फास्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन यस विथ रिगार्ड टू इंसुलिन इंसुलिन के रिगार्ड में बोला गया है चूज करेक्ट ऑप्शन ए दिया है सी पैप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन ठीक है बी ऑप्शन दिया है द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आर डी एन ए टेक्नोलॉजी है द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड एंड डी है अ पेप्टाइड एंड बीटा एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस क्या लगता है संध्या गीता बेन महकदीप जल्दी जल्दी आंसर बी एड डी ओनली बी आर सी ओनली ए बी सी डी नहीं ए सी डी या फिर ए एंड डी ओनली व्हाट डू यू गाइस थिंक विथ रिगार्ड्स टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन इंसुलिन का थर्टीन का सी लग रहा है महकदीप येस व्हाट अबाउट यू गाइस जानवी विनु नबिला वट डू गाइज थिंग क्वेश्चन नंबर थर्टीन चल रहा है येस थर्टीन वेरी राइट मैगडीप इट इज सी दैट इज ए सी एंड डी ए क्या है सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट मेचोर इंसुलिन में नहीं प्रेजेंट होता है ये एक बहुत अच्छा एम सी क्यू था और थोड़ा आपके एन सी आर टी से थोड़ा परे था है ना सी क्या है सी दिया है प्रो इंसुलिन सी पेप्टाइड और डी दिया है कि अब पेप्टाइड एंड बीटा ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड इंटरकनेक्टेड होते हैं डाइसल्फाइड सो परफेक्टली राइट यस और इन्फॉर्मेशन चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से पढ़ लेना इंसुलिन के इंसुलिन uh, हार्मोन के बारे में ठीक है कूल गाइस यस सी आंसर था वेरी नाइस मैन था जानवी नबिला एब्सोल्युटली राइट यस मैं एक चलो रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन गाइस मैम आपने कैसे दिखता? ऐसे ही दिखता है मतलब समझी नहीं मैं मैम आप... अच्छा ऐप में कैसे दिखता है अरे तो बेटा ऐप पर आके ही देखो ऐप पर आप सॉल्व कर सकते हो खुद से ठीक है किसी किसी का इशू आ रहा है वैसे तो कोई बात नहीं वो भी रिजॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी फिर मुझे यहाँ पे दिखेगा कि आपने जो है सॉल्व किया नहीं किया है सबका नाम मुझे यहाँ पे दिखेगा ठीक है यस सो डोंट वरी वेरी सुन जो है जब फीचर्स अपडेट हो जाएंगे थोड़े सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम तो वो भी हो जाएगा ठीक है रैंकर्स क्वेश्चन था ना महकदीप यस रैंकर्स क्वेश्चन था चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है सदर ब्लॉटिंग टेक्निक है लाइजा टेक्निक है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है क्वेश्चन है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन कौन सा यस क्लास नहीं दिख रहा संध्या कैसे नहीं दिख रहा बेटा मेरा और सलमान सर का क्लास सबका क्लास दिख रहा है यस गीताबेन तुमने ट्राई किया था आज और डाउनलोड ही कर लो एम बाय लर्निंग एप तनु संध्या गीता बहन सी आभा हेलो आभा वेलकम वेलकम टू द सेशन जल्दी 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 क्वेश्चन विनुथा जानवी नबिला ओके वेरी नाइस गाइस यस तुम लोगों का आंसर करेक्ट है अलाइजा टेक्निक यूज किया जाता है ठीक है अर्ली डिटेक्शन के लिए वेरी नाइस nice. फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग किससे वेरी इंपॉर्टेंट होती है कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस कौन सा है सीरम एंड यूरिन एनालिसिस बराबर मतलब वही ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जो होता है अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल विध दैट जो हमारा बेसिक कन्वेंशनल मेथड है उससे नहीं हो पाता इसीलिए हम क्या करते हैं रिकॉमिन डी एन ए टेक्नोलॉजी पॉलिमरिस चेन रिएक्शन एंड एनजाइम लिंगड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलाइजा का फुलफॉर्म है ये ठीक है सम ऑफ द द टेक्निक्स दैट सर्व ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ठीक है मैम मेरी ये फर्स्ट क्लास है रियली बट मजा आ रहा है वेरी नाइस आई एम वेरी ग्लैड थैंक यू सो वेरी मच यस थ्योरी सेशन में और मज़ा आएगा यस चलो क्वेश्चन नंबर 15 15 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर डन क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी हमारे पास टाइम है चलो ठीक है मेरे को लगा लेट हो रहे हैं आज भी Hello, guys. The adenosine DMINA is a deficiency results into dash. Yes? Aba? Come on, answer, John v. Kya lagta hai guys? A? डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम पार्किंसन डिजीज डाइजेस्टिव डेफिशिएंसी की वजह से राइट गाइस इसका आंसर होगा आपका डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम एडिनोसाइन डीएम डेफिशिएंसी तभी होती है तो वेरी नाइस वेरी नाइस परफेक्ट चलो वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो

The laws and rules to prevent unauthorized exploitation of bioresources are termed as dash. Damn speed, hai last week exam ka. Yes, V. Very nice. Chalo, jaldi, jaldi, jaldi. Kya lagta Biopatency, ya bioethics, bioengineering, biopiracy. Kya lagta hai? Seventeen, Mehedi. Galat hogaya, लॉज एंड रूल्स टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज are termed as, yes, are termed as a, बायो पेटेंटिंग अब देखो यहाँ पे तुम लोगों जो क्वेश्चन में यहाँ पे जो कुछ कुछ लोगों ने D मार्क किया है संध्या मेहकदीप सुनो सुनो yes वेनुथा ने भी D मार्क किया है जानवी बायो नहीं है बेटा यहाँ पे सुनो डिफरेंस सुनो ये डिफरेंस पढ़ लेते हैं ठीक है सोल्यूशन में आओ सोल्यूशन में आऊं जहां पे यस एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग होल्ड ऑन अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय अ स्टेट जो नेशनल गवर्नमेंट होती है ठीक है इन्वेंटर्स को जो लोग इन्वेंट कर रहे हैं ना चीजें नए नए चीजें बना रहे हैं इन्वेंट कर रहे हैं देखो दे इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी ठीक है एंड इन्वेंशन ये दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस होता है डिस्कवरी मतलब जैसे हमने आ, uh, न्यूटन ने जैसे ढूंढा कि ग्रेविटी होती है न्यूटन ने बनाया नहीं है ना न्यूटन ने इन्वेंट नहीं किया था ग्रेविटी उसने डिस्कवर किया कि ग्रेविटी करके कुछ होता है है ना इन्वेंशन क्या है इन्वेंशन है कि आपने कुछ नया बनाया है ठीक है जैसे आपने कुछ टेक्नोलॉजी बनाई है तो बनाया पहले से नहीं प्रेजेंट था कि हमने डिस्कवर कर लिया वो बनाया हमने तो वो पेटेंट हो जाता है ठीक है इन्वेंशन हो जाता है तो इसमें आ जाता है वो पेटेंट वाला सीन कि जब आप कोई चीज बनाते हो आपने सुना रहेगा ना ये चीज मशीन का पेटेंट इसके पास है पब्लिक डिस्कलोजर ऑफ एन इन्वेंशन इसको कहते हैं पेटेंट ओके okay? संध्या संध्या इतना बड़ा बड़ा मैसेज लिखती है मैम आप तो क्वेश्चंस तो बहुत मस्त सुपर एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भगा रहे हो हाँ क्योंकि एग्जाम है ना संडे को सही भी है एग्जाम पास आ चुका है आपके सम सुपर एक्सप्रेस ट्रेन भी शायद फेलो छे थैंक यू सो मच संध्या यस ओके तो ये पेटेंट के बारे में हो गया ठीक है इस सच एक्सक्लूसिव राइट्स आर गिवन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लोइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज उसको कहते हैं बायो पेटेंटिंग ठीक है क्लियर हो गया सबको समझा बायो पायरेसी क्या होती है चलो बाकी ऑप्शंस पे बात करते हैं बाकी ऑप्शंस डिस्कस करते हैं

देखो अनऑथराइज un एक्सप्लॉइट करना जो है वो आपका जाता है यस yes, मैम समझ आ रहा है चलो ठीक है सबको समझ में आ गया तो मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ सुरिंजेनेसिस बीटी इज रेजिस्टेंट टू डैश फंगल डिजीज प्लांट निमेटोज इंफेक्शन इंसेक्ट प्रीडेटर्स या फिर इंसेक्ट पेस्ट कमान 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 क्या बात है ये वाला सेशन तो और फास्ट गया हमारा यस yes? अरे गीता बेन गलत गलत कर दिए तुम गलत कर दिए महकदीप क्या लगता है एटीन संध्या गलत आंसर तनु गलत आंसर <laughs> महकदीप राइट आंसर <laughs> यस और जानवी गलत विनुथा वेरी नाइस यस आंसर गाइस आंसर इज योर डी इंसेक्ट पेस्ट अब देखो सुनो बीटी कॉटन क्यों सबने क्या मार्क किया था सी मार्क किया था ना बहुत लोगों ने सी इंसेक्ट प्रीडेटर्स क्या होते हैं इंसेक्ट प्रीडेटर्स मतलब वो जो इंसेक्ट को खा रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है ना हमको तो नहीं चाहिए हमको वो इनफेक्ट इंसेक्ट प्रीडेटर्स तो चाहिए हमको जैसे कुछ uh, ये है ना स्नेक्स एंड ऑल फ्रॉग्स एंड ऑल रहते हैं Snakes रहते हैं तो फ्रॉक्स को खा लेते हैं इंसेक्स को खा लेते हैं जो कि आपके प्लांट को खराब करता है तो हमको तो प्रीडेटर्स चाहिए तो आप लोग प्रीडेटर्स क्यों मांग कर रहे हो बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड वो क्यों डेवलप किया गया था यस yes, ताकि हम किससे किसको भगाएं किसको रेजिस्टेंट पेस्ट से ना यस yes, हमको पेस्ट नहीं चाहिए तो उससे रेजिस्टेंट चाहिए तो उनके इसमें डालेंगे बाकी प्रीडेटर्स तो रहेंगे तो अच्छी बात है हमको क्या करना है इंसेकट के प्रीडेटर्स को अगर तुम तो लोग इंसेकट के प्रीडेटर्स को मारोगे तो इंसेक्ट तो बढ़ते जाएंगे ना समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से एवरी वन यस जल्दी में गलत हो गया ऐसे ही हो जाता है नीट में ना ऐसे ही सिंपल सिंपल मिस्टेक्स हो जाती है ये समझ आ गया सबको सबको समझ में आ गया यस अश है परफेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन

एसर्शन गलत है रीजन सही है या फिर दोनों असर्शन ऑन रीजन गलत है विच इज योर ऑप्शन नंबर डी यस क्या लगता है बी लग रहा है सबको बी लग रहा है यहाँ पे विनु था विनु था को ए लग रहा है बाकी सबको बी 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 होगा बी होगा बी होगा, बी होगा चलो देखते हैं यस वेरी नाइस गाइस आंसर बी है कि जो सही है बट रीजन उसका जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है ठीक ठीक है 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 तो ही चलो बड़े आगे लास्ट टेन क्वेश्चन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

बी 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 लग रहा है सबको सबको बी लग रहा है यस तनु संध्या मेहदीप क्या हो गया सोच रहे हो क्या आंसर अभी तक जानवी बॉन्ड वेरी नाइस यस आंसर विल बी योर बी हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ ये अटैच होता है ए और बी इसका ऑलरेडी हमने सिमिलर क्वेश्चन पिछले वाले सेशन में किया था राइट हाई अभिषेक गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून चलो थोड़ा लेने वाला में मिल अरे गीता बहन ये सब टेलीग्राम पे बात करेंगे हम लोग ठीक है yes. यस ऊपर पहले दिया था अच्छा सॉरी 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 मैंने स्किप कर दिया रीड करने को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस स्टोमा या फिर पिंटाडा लिस्ट टू दिया है पर्ल ओइस्टर पोर्चुगीज़ मैन ऑफ फॉर लिविंग फॉसिल्स हुकवर्म कौन सा ऑप्शन सही है मैच द कॉलम करना है विनुथा इतना जल्दी कैसे आंसर आ गया <laughs> क्या बात है मेरे तो वेरी नाइस वेरी नाइस अभिषेक यस ये कॉपी पेस्ट करता है इसीलिए ऊपर चला जाता है हां राइट 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 कोई बात नहीं मैगदीपत्सो के हर बार नहीं मिस करती आज ही मिस कर दिया मैंने यस क्या बात है मैगदीप वेरी नाइस यस yes, संध्या सबने अलग अलग आंसर दिया है पता चलेगा किसका आंसर सही है आराम से देखो मैं एक वापस से देखो यस <laughs> yes, वापस से रीड करो थोड़ा अच्छे से ट्वेंटी फर्स्ट का आंसर देखो चलो मार्क करते हैं हम लोग यस ट्वेंटी का ए और सी बोल रहे हो गीता बेन ए और सी एक ही ऑप्शन बेटा एक ही ऑप्शन जानवी वेरी नाइस तनु एब्सोलूटली राइट संध्या यस परफेक्ट गाइस आंसर वैसे तो सी है यू गाइज आर राइट A, क्या है आपका फाइसेलिया अगर आपको याद नहीं है फाइसेलिया पॉर्चुगेज मैन ऑफ वॉर क्लियरली एन में दिया गया है ठीक है बी आपका है इज योर लिविंग फॉसल ठीक है एनसाइक्लोस्टोमा दिस इज योर सी विच इज योर होक एंड आपका पिंकटाडा पिंकटाडा इज पर्ल पर्लॉइस्ट राइट तो ये आपके एनसीआर का डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन था ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपने लिस्ट बनाई होगी तो यस yes, और अभी लिस्ट बनाने का टाइम नहीं है है ना चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू लास्ट एट न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स इसमें से कौन है जो हॉलो एंड न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स जो है प्रोजेस करता है ठीक है ऑप्शन दिया है न्योफ्रॉन हेमिकमिकाडिल आपका माइक्रोपस या फिर आपका और मेरे को टंग ट्विस्टर हो जाता है सब एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स <laughs> ने पढ़े हो ये 22 का क्या बात है very nice. yes, तनु, बिनु था? Yes, गलत कर दिए तुम गलत गलत हो गया यस करेक्ट आंसर वेरी नाइस नेफ्रॉन है है, सॉरी न्यूफ्रॉन ठीक है चलो नेक्स्ट पढ़ना है ये पढ़ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एनिमल किंगडम के बर्ड्स रिमार्केबली स्पेशलाइज दैट आर न्यूमैटिक यस खाली होलो बोन्स होते हैं हल्के बोन्स होते हैं बिकॉज दे आर फुल ऑफ एयर सैक्स दैट प्रोवाइड अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्रेथ थ्रू आउट द बॉडीज ऑल्सो इट इज वन ऑफ द फ्लाइट अडेप्टन यानी उड़ने में आसानी हो इसीलिए बर्ड्स में बोन्स ऐसे होते हैं ठीक है लैग है क्या नहीं लैग नहीं है लैक ऑफ यूरिनरी ब्लैड बोर्ड शेप्ड बॉडी एक्सेट्रा ये अलग फीचर्स होते हैं बेसिकली न्यूफ्रॉन किसका है वल्चर का साइंटिफिक नेम है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट ओके ऑन योर स्क्रीन गाइस जल्दी फोकस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन हेलमेंट दूसरा स्टेटमेंट है इकाइनो आर ट्रिप्लो एंड सियोलोमेड एनिमल्स यस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डी है वॉटर वास्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टराइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म्स ऑप्शन देख लो आराम से येस टेक योर टाइम और जल्दी जल्दी आंसर करो येस टेक योर टाइम गाइज ये क्वेश्चन में टाइम लगता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री बट थर्टी सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए तो उतना ही टाइम लेना ठीक है डन मेहकदीप क्या बात है संध्या मैम प्लीज साइड साइड में ही तो गई थी मैं <laughs>

तुम लोग जब चैनल पे जाओगे उसमें वीडियो वाला सेक्शन है वो देखते हो कि नहीं देखते हो या सिर्फ लाइव वाला सेक्शन देखते हो चैनल पे जाओ वीडियो वाला जो सेक्शन है ना वीडियो वाला सेक्शन वो वीडियो वाले सेक्शन में ड्रेस कोड फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज उस उसपे एक वीडियो बनाया है क्या क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है सब कुछ मैंने जो है दिया है तुम लोग को वहां पे सब कुछ बताया गया है इफ यू वॉन्ट आई रीशेयर इट ऑन द टेलीग्राम टेलीग्राम पे भी शेयर किया है मैंने ठीक है मैम प्लीज एक बार टाइम बता दो ना क्या टाइम बता दो मतलब समझी नहीं नवेद किस चीज का टाइम चाहिए तुमको यस चलो नेक्स्ट में क्वेश्चन पे विच इज योर लास्ट सिक्स क्वेश्चन टू गो ठीक है चलो लिस्ट वापस मैच दो कॉलम है कैनाल सिस्टम कॉम्प्लेक्स और आपका नीडोब्लास्ट लिस्ट टू है एनिमल किंगडम से ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैच दो कॉलम वाले एग्जाम्पल बेस्ड वाले तो प्रिपरेशन भी और रिविजन भी वैसे ही करना ठीक है दिख रहा है ना जल्दी 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 सी लग रहा है जानवी अबाउट यू गाइस मेहदीप संध्या क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इसमें क्यों टाइम लग रहा है मैम एम बाई अच्छा नवेद वो जाने दो ना नवेद उसमें तुम्हारा क्या टेंशन है यस yes. अच्छा तुम्हारा नीट नेक्स्ट ईयर है दैट यू आर बैच चलो एक साल है तो तुम शायद देख लोगे ग्रोथ <laughs> अच्छी बात है एक साल रहना फिर साथ में संध्या महकदीप नहीं नहीं, नहीं 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 गलत हो गया गलत हो गया गलत मार्क कर दिए तुम लोग चलो आ जाओ ध्यान दो ध्यान दो गाइस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे ध्यान दो गलत कर रहे हो एनिमल किंगडम मतलब तुम लोग का रिविजन नहीं हुआ है अब तक तो तुम लोग हर क्वेश्चन जो है अच्छे से बराबर सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे अब तुम लोग मतलब एनिमल किंगडम का रिविजन तुमने नहीं किया है यस yes, तो प्लीज 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 एनिमल एनिमल किंगडम किंगडम रिवाइज करो से क्वेश्चन आते हैं नीट का मार्क्स यही खाएगा तुम लोग का यही चैप्टर खाएगा तो प्लीज ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है आंसर सी है इसका ठीक है बहुत कम लोगों ने जानवी बोल रही इजी पीजी बेटा यहाँ पे यूट्यूब पे सब गलत कर दिया है बी बोल रहे हैं यस yes, सुनो ये मेटामेरिज्म है मेटामेरिज्म जैसे आपके इसमें दिखता है, है right? yes, इस नॉल में, दिख में दिखेगा बराबर तो ए का तो थ्री है यानी आपका बी और सी में से ही आंसर होना चाहिए था तो गलती कहाँ हुई चलो तो बी भी कॉमन है फोर दिया हुआ है आपका पोरिफेरा सी दिया है वन टू यानी आपने जो है सी और डी में गलती कर दी यस yes, मैगदीप ध्यान दो कहाँ गलती हुई है सी एन डी में सी क्या है कॉम्प्लेक्स 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 हमेशा टीनोफोरा में दिखते हैं चमकते हैं यस कॉम्प्लेक्स आपको टीनोफोरा में मिल रहा है नाइडो जो है यस yes, नाइडो आपको फर्स्ट सिलेंट्रेटा में मिलता है इसलिए उनको नेडेरियंस भी कहते हैं याद आया यस yes, कहाँ गलती हुई थी गाइस किधर गलती हुई थी यस yes, टफ करो बेटा ये पी वाई क्यूज हैं हैं, ठीक है? थीक्या? ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं नीट में अब हमको वो ओ, क्या बोलते हैं मॉड्यूल लवर्स की तरह वो मॉड्यूल टाइप क्वेश्चंस नहीं चाहिए अब हमको वैसे ही क्वेश्चन चाहिए जो नीट में आएंगे है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट सिक्स क्वेश्चन टू गो following? ऑप्शन दस करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनोलीडा फाइलम एनलीडा को कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से जो है डिस्क्राइब करता है अगेन दिस इज फ्रॉम राइट फ्रॉम दैट पेज आपका पेज बोल रही हूं टेबल यस ऑप्शन ए ट्रिपलोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड बॉडी एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल बी है ट्रिपलोब्लास्टिक सेगमेंटेड बॉडी एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल सी है ट्रिपलोब्लास्टिक फ्लैटन बॉडी एंड असिलोमेट कंडीशन एंड डी है डिप्लोब्लास्टिक मोस्टली मरीन एंड रेडिकली रेडियली सिमेट्रिकल यस विनुथा जानवी मैरी नाइस क्या बात है नवेद संध्या महकदीप कौन सा है जो फाइलम एनालिडा को अच्छे से डिस्क्राइब करता है तनु, yes, nice, nice. चलो, सबने सही आंसर दिया वेरी गुड गाइस इट्स बी प्लास्टिक सेगमेंटेड बॉडी सिमेट्रिकल इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है सबसे इजी क्वेश्चन था ये एनिमल किंगडम का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है reasoning type पे, ठीक है चलो अब एसोशन रीजनिंग यार प्लीज सभी पेस्ट मत करो एक बार दो आंसर सब लोग एक ही बार आंसर दो कॉपी पेस्ट करोगे तो सबका ऊपर नीचे हो जा रहा है कोई बात नहीं मैदी एम रीडिंग ऑल द ऑप्शन ऑल द कॉमेंट्स ठीक है यस चलो ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हमारा आता है एसोशन दिया है कि नीडो ब्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी इज इन नेडेरियंस ठीक है रीजन दिया है नीडो ब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ द प्रे बताओ क्या लगता है कि एंड रीजन सही है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द री एंड रीजन सही है बट रीजन गलत है uh, मतलब रीजन जो एक्सप्लेनेशन नहीं है येस yes, जानवी क्या बात है परीक्षित हाय परीक्षित वेलकम टू द सेशन यस गाइस क्या लगता है नवेद संध्या यम हम देख रही है अच्छा ओके okay. आर्ग्यूमेंट मत करो सब लोग यस yes, चलो लास्ट पांच क्वेश्चंस हैं ए ए ए सब लोग ए लिख रहे हो जानवी भी ए लिख रही है परीक्षित एंड ओके तुम लोग ने अलग लिखा है गाइस बहुत सिर्फ दो जन ने करेक्ट आंसर दिया है सिर्फ दो जन ने करेक्ट आंसर दिया है करेक्ट आंसर आपका बी है कि असर्शन एंड रीजन दोनों सही है बट रीजन का कोई लेना देना ही नहीं है एक्सप्लेनेशन से मतलब असर्शन का कोई कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आप, आपका रीजन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है प्रेजेंट ऑन द प्रजेंट बॉडी नेडेरियन सब सही है ना ये सिर्फ अलग स्टेटमेंट है कंटिन्यूएशन है ना यस तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नीडो ब्लास्ट आ प्रजेंट ऑन देंटिकल एंड द बॉडी अब ये कैसे तुम लोग जो है ये एक्सप्लेनेशन बताते समझा रही हूँ yes, समझाते समझाते पूछ रहे हद है यहाँ पे रीजन देखो बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग एसोर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन इज इसको लगा दो बिकॉज ठीक है के बाद लगा दो बिकॉज और अगर तुमको बिकॉज लगाने के बाद पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद लग रहा है कि हाँ यार ये तो बन रहा है मतलब सही बोला है सही बोला है तब जाके आपका ऑप्शन आएगा ए कि असोर्शन रीजन दोनों सही है और आपका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है

ये प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स एंड देयर फॉर द बॉडी नीडो ब्लास्ट क्वाइट यूजफुल होते हैं एनकरेज के लिए डिफेंस के लिए ऑल्सो फॉर द कैप्चर ऑफ द प्रे नेडेरियंस एक्सिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है सिंगल ओपनिंग होती है माउथ ऑफ दिस्टो पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है येस द डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर सारे फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नो कनेक्शन बिटवीन देम ऐसा कुछ जो है कनेक्शन नहीं है ठीक है कूल ओके नवेद इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड बेटा यू कैन लेटर ऑन वॉच द रिकॉर्डिंग इन टू एक्स स्पीड ठीक है बिकॉज हियर आई एम नॉट अलोन टीचिंग यू ना इतने सारे बच्चे हैं जिनका एग्जाम है ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट थ्री क्वेश्चन टू गो ओके Match the following columns and select the correct option. Phenodites, yes, eptenodytes, pteropas, apka pterophyllum, ter and apka petromyzon. Okay. Next is column two flying fox, angelfish, lamprey, and penguins. Yes. Match the column. Take your time, 30 seconds. क्या बात विनु था वेरी नाइस जल्दी 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 गाइस यस नवेद सब लोग पढ़ने आए यहां पे कोई टाइम पास करने है नहीं आया बट बाय बाय राइटिंग ऑल दिस एंड इंटरप्टिंग द एक्सप्लेनेशन तो uh, बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ठीक है हो गया वेरी नाइस तनु संध्या ये परिक्षे जानवी विनुथा यहाँ पे कुछ लोगों ने सही दिया है आंसर और इक्वली लोगों ने गलत भी दिया है डी तो नहीं होगा भाई सी है परीक्षित जानवी अच्छा जानवी ने करेक्ट कर लिया यस yes, सी है आंसर गाइस ए है आपका टीनोडाइट उसका फोर आता है पेंगुइन्स ठीक है yes, B है आपका टेरोपस इज़ योर फ्लाइंग फॉक्स बट मुझे नहीं लगता इस बार के नीट में आएगा बट स्टिल एक बार आ चुका है और सारे नहीं बट कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके एनसीआरटी में ढूंढना एक बार ठीक है

यस yes, बाकी के ऑप्शंस पढ़ के तो करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो ना तो वो दे देगा तुमको ठीक है यस yes? समझा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट टू क्वेश्चंस टू गो और लास्ट थ्री क्वेश्चन ऑल वर्टिब्रेत्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेत्स व्हाई ये मैंने हजार बार ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को सेशन के टाइम रिवीजन के टाइम कराया था तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए जल्दी से

यस हाय सचिन why so late <laughs> इतना लेट क्यों दो से चार का सेशन होता है गाइस रोज होगा अभी तुम्हारे तीन दिन कंटीन्यूअस होगा आज ट्यूसडे है फिर सॉरी uh, वेडनेसडे है थर्सडे फ्राइडे ऐसे ही 60 60 क्वेश्चंस करने हैं जल्दी-जल्दी हमको तो आया करो रेगुलर यस ए बी बी डी सब अलग-अलग आंसर -अलग दे रहे हो क्या यार अभी एग्जाम इतना नजदीक आ गया अभी भी ऐसे कर रहे हो गाइस ओनली नवेद नवेद ही आंसर गलत है बाकी सब ने ए लिखा है यस इट्स आंसर इज ए ओके वर्टेब्रल नोटोकॉड इज रिप्लेस बाय वर्ट कॉलम इन एडल्ट ऑफ सम मेरी क्लास होती है अकेडमी से आया हूँ अभी अभी मैम ओहो कोई बात नहीं चलो टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे तो होता है लोगों का चलो नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लीमेट्रिकल एंड असिलोमेट एनिमल्सिड बायमोरा बात है संध्या सचिन नवेद जल्दी जल्दी आंसर गाइज यस मैम अरे नव आंसर दो बेटा आंसर आंसर पे ध्यान दो क्वेश्चन पे

एक्सप्लेनेशन भी देखते जाओ आजकल मिलते हैं में आ जाता है ठीक है चलो ओके लास्ट क्वेश्चन टू गो फॉर द डे यस मैच द कॉलम्स करेक्ट ऑप्शन ए दिया है ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट एडल्ट विथ सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायोलैट्रल सिमेट्री की बुक लंग्स बायोलि डायरेक्ट एनसीआर क्वेश्चन है ये कॉलम टू दिया है एस्ट्रेस स्कॉर्पियोपलाना एंड लोकस्ता फाइलम का नाम नहीं दिया यहाँ पे डिफिकल्ट करने के लिए यस yes, डिफिकल्ट करने के लिए फाइलम के जगह एग्जाम्पल का नाम दिया यस 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 मेरा भी ऐप में कुछ शो नहीं कर रहा शो नहीं कर रहा ऐप पर कोई बात नहीं अगर ऐप पर शो नहीं कर रहा यूट्यूब पे आके देख लो कोई बात नहीं इसलिए प्लेटफॉर्म्स ताकि तुम लोग को कुछ मिस आउट ना हो जाए अबाउट अदर्स अदर्स विनुथा जानवी नवेद ओके संध्या क्वेश्चन है टेक टाइम yes. okay, जल्दी मार्क करो आराम से देखो पढ़ो एक एक को संध्या डन एवरीवन डन सब लोग को सी लग रहा है कैसे सी लग रहा है भाई कैसे सी लग रहा है कहाँ गलती कर रहे हो सी तो नहीं है सी तो नहीं है पहला ही ऑप्शन गलत है ए क्या है ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट यस ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट आ जाता है आपका लोकस्टा में ठीक है यस yes, चलो एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं सीधा तो का टाइम बच जाएगा वैसे आंसर ए है जितने जन ने आंसर ए माख किया था यस yes. पढ़ लेते हैं आपका एक्सप्लेनेशन पेस्ट अ पेस्ट इन एन एनिमल यस दैट इज डेट्रीमेंटल और हार्मफुल इन ह्यूमंस और ह्यूमन कंसर्न्स ठीक है लोकस्टा लोकस्ट पेस्ट जो कि डेंजरस होता है क्रॉप रहेगी कॉमन नेम कॉमन नेम में गलती की रहेगी तो आराम से एग्जाम्पलेशन शॉट ले लो आराम अरा, से जो है इसको रीड करना नोट बना लो गाइस ठीक है ये मेहदीप कुल पता चल गया आप कहाँ कहाँ गलती हुई है ठीक है गाइस चलो ओके okay, दे हमारा एज आई प्रोमिस यू सिक्सटी क्वेश्चन विद इन टू आवर्स दो से चार का सेशन कल भी होगा दो से चार ऐसे ही सेट ए सेट बी में मतलब सेट सी सेट डी होगा टाइम से आना सिक्सटी क्वेश्चन करना है ऐसे ही फास्ट फास्ट रिविजन होगा ठीक है चलो अभी रैप अप करते हैं मिलते हैं कल आज जो भी गलतियां हुई हैं जिस क्वेश्चन में वापस से रिव्यू करना वीडियो को और जो है एक्सप्लेनेशन uh, पढ़ लेना सबका ठीक है यस yes? लेक्चर्स uh, uh, का टाइमिंग वही दो से चार बेटा दो से तीन एक सेशन होगा तीन से चार एक सेशन होगा ठीक है विथ टेन मिनट्स ब्रेक